नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका सरकारी जॉब संगम यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप को लेकर क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है एक बार फिर से बढ़ा दी गई है अब इसकी डेट जो है बढ़ा के छब्बीस दिसंबर तक कर दी गई है यहाँ पे जो नोटिफिकेशन चल रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है दसमोत्तर कक्षाओं के लिए छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है छब्बीस दिसंबर दो है तो कि किसी किसी कॉलेज का जो रिजल्ट है काफी लेट से आया था जिसकी वजह से उनका स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाए थे या फिर भर भी रहे थे तो वेबसाइट डाउन होने की वजह से उनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाया था जिसकी वजह से एक बार फिर से जो है डेट को बढ़ा दिया गया है तो आप लोग जो है अपने आवेदन फॉर्म को कम्प्लीट कर सकते हो उसके साथ ही जिन्होंने भी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया है तो एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है वरना आपका यूपी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा यहां पे आप लोग इस वेबसाइट पर ही आप यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर ही देख सकते हैं और यहां पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि समस्त छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक अपने बैंक खाते में आधार की सीडिंग नहीं कराया है तत्काल अपने संचालित बैंक खाते में आधार की सीडिंग करा लें इसका मतलब यह है कि जिनके भी आधार कार्ड में यानी कि बैंक खाते में आधार की फीडिंग नहीं हुई है जिनका भी पैसा आधार कार्ड से नहीं निकलता है उनके खाते में पैसा नहीं जाएगा तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो फिर नहीं आएगा तो इसलिए आप अपने ब्रांच में जाके एक बार आधार की सीडिंग जरूर करवा लें अगर आपके आधार कार्ड से पैसा निकलता है आधार की सीडिंग हो रखी है तो आपको जो है इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत इसके साथ ही स्कॉलरशिप का स्टेटस भी आप लोग चेक कर सकते हैं जिन्होंने अप्लाई कर दिया है वो अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा आप लोग वहां से जाके देख के उस वीडियो के थ्रू आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ के थ्रू अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपका अप्लीकेशन फॉर्म कहाँ तक पहुंचा है तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक के लिए जय